पुराणों की दुनिया में असंभव भी संभव हो जाता है। यह बात मंदोदरी की कहानी को बखूबी बयां करती है, जो कभी एक मेंढक थी और उसका विवाह विभीषण से हुआ। मंदोदरी और विभीषण की कहानी जादू, परिवर्तन और अनोखे रिश्तों का मेल है। पहली नजर में एक मेंढक का एक सुंदर स्त्री में बदलना और फिर रावण के भाई से शादी करना, ये बात अजीब लग सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, हमें प्रतीकों और जीवन के उन पाठों की परतें दिखाई देती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। मंदोदरी के जादुई परिवर्तन से लेकर विभीषण से उनकी अप्रत्याशित शादी तक, यह कहानी प्राचीन भारतीय विद्या की जटिल और आकर्षक दुनिया की एक झलक पेश करती है। मंदोदरी और विभीषण की कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उनकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। मंदोदरी अपने मानवीय रूप में अपनी असाधारण सुंदरता और नेक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। अपने राक्षसी वंश के बावजूद मंदोदरी अपनी पवित्रता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी और अक्सर अपने पति रावण को सही सलाह देने वाली बुद्धिमान पत्नी के रूप में जानी जाती थी। दूसरी ओर विभीषण रावण का छोटा भाई था, जो अपनी धार्मिकता और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वह अक्सर रावण के अनैतिक कार्यों से असहमत रहता था और अंततः रामायण में वर्णित महान युद्ध के दौरान भगवान राम का साथ दिया। लंका के पतन और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी और विभीषण के रास्ते एक अप्रत्याशित तरीके से मिले। मेंढक से एक सुंदर स्त्री में मंदोदरी के परिवर्तन की कहानी उनकी कहानी का एक कम प्रसिद्ध लेकिन आकर्षक पहलू है। किंवदंती के अनुसार मंदोदरी मूल रूप से ऋषि अनुसूया के आश्रम के कुएं में रहने वाला एक मेंढक था। अनुसूया अपनी भक्ति और जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मेंढक को देखा और उसे एक इंसान में बदलने का फैसला किया। उसने एक शक्तिशाली मंत्र डाला और पलक झपकते ही वह छोटा सा जीव एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर स्त्री में बदल गया। यह नव परिवर्तित महिला कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी थी। अपने मानवीय रूप के साथ मंदोदरी को बुद्धि, सदाचार और एक दयालु हृदय का आशीर्वाद मिला था। ये गुण बाद में उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खासकर रावण से उसकी शादी और रामायण के अन्य पात्रों के साथ उसकी बातचीत के दौरान। भाग चार, मंदोदरी और विभीषण की असाधारण शादी। रावण की हार और मृत्यु के बाद लंका बिना शासक के रह गई थी। राम ने विभीषण को लंका का नया राजा नियुक्त किया। एक राजा को एक रानी की आवश्यकता होती है। भगवान राम ने विभीषण और मंदोदरी के विवाह का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव एक दयालुता का काम भी था। मंदोदरी एक सदाचारी महिला थी। मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और विभीषण की धार्मिकता ने लंका में शांति लाई। उनका मिलन सुलह और नई शुरुआत का प्रतीक है। भाग पांच, कड़ियां जोड़ना, कहानियां कैसे जुड़ती हैं। मेंढक से मंदोदरी के परिवर्तन और बाद में विभीषण से उनकी शादी की कहानियां जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो रामायण के पूरे महाकाव्य और उसके बाद तक फैली हुई एक कथा का निर्माण करती है। मेंढक से एक महिला में मंदोदरी का परिवर्तन रामायण की महाकाव्य कथा में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इस जादुई परिवर्तन के दौरान उन्हें जो सुंदरता और गुण प्रदान किए गए थे, उन्होंने उन्हें शक्तिशाली राक्षस राजा रावण के लिए एक उपयुक्त साथी बना दिया। जिस तरह एक मेंढक से रूपांतरित होने पर उसे एक नया जीवन दिया गया था, उसी तरह रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से उसकी शादी एक और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। ये परस्पर जुड़ी कहानियां इस विश्वास को दर्शाती हैं कि किसी की वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं होती है और परिवर्तन, जो अक्सर अप्रत्याशित होता है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। भाग छह, इन प्राचीन कथाओं का महत्व। मंदोदरी के परिवर्तन और विभीषण से उनकी शादी की कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व रखती हैं। ये कहानियां पीढ़ियों से श्रोताओं का मनोरंजन करती हैं, शिक्षित करती हैं और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक मेंढक से महिला बनने तक की मंदोदरी की यात्रा परिवर्तन की क्षमता को दर्शाती है। मंदोदरी और विभीषण का विवाह सुलह और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सिखाता है कि संघर्षों के बाद भी शांति और सद्भाव की आशा है।